हेलो नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं बहुत ही बढ़िया हूं और उम्मीद है आप लोग भी एकदम बढ़िया होंगे। आज बहुत टाइम के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है क्योंकि आज एक ऐसी स्पेशल ट्रिप पे हम जा रहे हैं जो कि ऑलमोस्ट एक या डेढ़ साल बाद हमारी बनी है। सो एवरीबॉडी इज़ रेडी एंड हमारा जो प्रोग्राम है वो क्या है वो आगे रास्ते में आपको बताता हूँ। बाय बाय घर। तो हम लोग रेडी हैं पूरी तरह से, गाड़ी में आ गए हैं, प्रिंसेस भी पीछे बैठ चुकी है। प्रिंसेस बेटे क्या हुआ, नींद आई है? चलो प्रिंसेस को नींद आई है। आफरीन रेडी, आपको तो नहीं आई नींद? आफरीन नींद तो नहीं आई? आई है। चलो अभी चलेंगे फिर सो जाना। सो सवेरे उठ गए बच्चे आज, तो काफ़ी ज़्यादा नींद और स्लीपी फील कर रहे हैं, तो अभी सोएंगे ये लोग। मैं वेट कर रहा हूँ बस घर लॉक होने का और फिर हम लोग निकलते हैं फटाफट। Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. हम लोग पहुंच गए हैं अभी पहले अपने टॉल पे जो कि है ब्रजघाट वाला टॉल, गढ़ वाला, बट थोड़ा सा काम है तो इसलिए 5 मिनट का ब्रेक है हमारा। एक वीडियो लाइव करनी है और उसके बाद बस आगे निकलना है। घूमते घूमते भी काम करना पड़ता है इंसान को, क्या क्या करना पड़ता है। Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called... दोस्तों वैसे तो आज की वीडियो का टाइटल देख के आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग जा रहे हैं शिमला। इनफैक्ट शिमला तो कल जाएंगे, आज हम जाएंगे चंडीगढ़। और चंडीगढ़ का आज का हमारा सफ़र शुरू हो चुका है। लगभग 170 किलोमीटर हम अभी तक कर चुके हैं। बहुत ही अच्छी जर्नी अभी तक रही है हमारी। प्रिंसेस पूरे रास्ते जो है वो पिछली वाली सीट पे लेट के कंबल तान के और तकिया लगा के सोती हुई आई है। मौज तो प्रिंसेस ने ली है। आफीन बेचारी सारे रास्ते परेशान रही है क्योंकि प्रिंसेस ने उसको लेटने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं दी। ये क्या हो रहा है। एनीवेज हम अभी हैं मुरथल में और अमृत सुखदेव पे रुके हुए हैं। ऑर्डर कर दिया है, क्या क्या ऑर्डर किया है? बहुत तेज़ी से पूरा बारात का खाना ऑर्डर कर दिया है। हाथ का नूडल, फ्रेंच फ्राइज, प्याज परांठा, आलू पराठा, दही। खाना आने दो फिर खाते हैं, देन आगे चलेंगे। वाओ इतना सारा मक्खन, कोलेस्ट्रॉल। पराठा यमी लग रहा है, स्टार्ट करते हैं जल्दी से और फिर चलते हैं। इसको हाथ से ही करना होता है ना ऐसे, या चम्मच से? हाथ से ही ना। बट कितना सारा मक्खन है, कुछ ज़्यादा ही है। अच्छा डुबकी लगानी है। बच्चों ने एज यूजुअल अपना वही सब मंगाया है, फ्रेंच फ्राइज, आपका नूडल्स। आप इनके मुंह के ऊपर केचप आ गया। आप खुद निकाल रही थी, खुद निकाल रही थी फ्रेंच फ्राइज के ऊपर मैगडी की तरह। मैगडी वाला बंदा तो नहीं है, सरदार जी की फोटो बनी हुई है। वन ऑफ द बेस्ट चीज आई हैव एवर हैड, बहुत ही ज़बरदस्त। लाजवाब चाय। अमृत सुखदेव में खाना हो गया हमारा, बहुत ही लाजवाब खाना था, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। सिर्फ पराठे, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। पराठे तो अच्छे होते ही हैं, वो हमें बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया, लेकिन बच्चों के लिए जो हमने नूडल्स मंगाए थे और जो फ्रेंच फ्राइज मंगाई थी और मेरी जो चाय थी स्पेशली, बहुत ही लाजवाब थी। तो कभी भी अगर इस रास्ते से जाते हो मुरथल में रुकना है तो अमरीक सुखदेव से ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। हम लोग ऑलमोस्ट मिडवे पहुंच गए अम्बाला के। अम्बाला मेरे ख्याल में यहाँ से लगभग 60-70 किलोमीटर बचा होगा। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है तो बच्चों को लेमनेड और गन्ने का जूस पीना था, तो हम अभी रुक कर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और लेमनेड पी रहे हैं। थोड़ी सी विंडो खुली है, ऐसी ख़तरनाक वाली गर्मी हवा आ रही है ना कि मज़ा आ रहा होगा बाहर, बहुत ख़तरनाक वाला। तो अब लेमनेड हमारा आने वाला है। आफ्रिन कैसा है ये आपका? अच्छा है,
I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, yeah, 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 yeah. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be yes, me sir. And I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well, come. Baby, I've a taste. Humphrey? क्या बोल रही हो आप? This is my favorite ever place. I never go home in my house. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that. तो फाइनली हम लोग आ गए हैं चंडीगढ़ में. चंडीगढ़ करे आशिकी. ये है कुछ बाहर का नज़ारा. जैसे यहाँ पे ये ऐसा कुछ लगाया हुआ है जिससे दिख नहीं रहा नीचे का. और ये है हमारा रूम. ये है बेड. ये है बैठने की जगह. ये है वॉशरूम. बच्चा पार्टी हमारी गई हुई है इस टाइम स्विमिंग पूल पे. मुझे आ रही बहुत ज़ोर से नींद यार. मेरा तो कहीं जाने की हिम्मत हो नहीं रही है. सुबह बहुत सवेरे उठ गया और अब ड्राइव करके नींद बहुत ज़्यादा आ रही है. अमरीक सुखदेव का पराठा खा के और वो जो खाया ना इतना सारा मक्खन अब काम कर रहा है वो. तो थोड़ा सा नींद ले रहा हूँ मैं तो. चंडीगढ़ में दो जगहें मैंने शॉर्टलिस्ट की हैं. एक है सुखना लेक और एक है यहाँ का सेक्टर 17 की मार्केट बड़ी मशहूर है. तो पहले जाएंगे सुखना लेक, वहाँ पे बोटिंग शोटिंग करेंगे अगर पॉसिबल हुआ और उसके बाद जाएंगे सेक्टर 17. हो गया है शाम के 6:45 और हम लोग सभी रेडी हैं पूरी तरह से. अब हम लोग जा रहे हैं चंडीगढ़ घूमने के लिए. चंडीगढ़ की लोकल साइट से आफरीन आप रेडी हो चलें. चलो हम लोग पहुंच गए सुखना लेक और बहुत ही ख़तरनाक वाली पार्किंग की कंडीशन है. ऑलमोस्ट 15-20 मिनट के बाद पार्किंग मुझे यहां पे मिली है. बोटिंग तो बंद हो चुकी है. काफ़ी लेट हो गए हम लोग. ऑलमोस्ट 6:30 बज गए हैं. ये है बोटिंग का रास्ता और अब हम अपने बच्चों को कराएंगे झूला. झूला करना है. वही तो है उधर ही तो है वही तो बोल रहा हूँ करना है आपको करना है. तो अब फिलहाल कोई और ऑप्शन नहीं है तो अपन लोग चलते हैं और बच्चों को झूला कराते हैं. ट्रैम्पोलिन या एडवेंचर ऊपर जाना है वहाँ या फिर यहाँ ट्रैम्पोलिन. हाँ सिस करेगी एडवेंचर ऊपर जाके यहाँ पर और आफरीन जाएगी ट्रैम्पोलिन में. ओके डरोगी तो नहीं आराम से करोगी. लेट्स गो चलो. कंसंट्रेट कंसंट्रेट. Come on, Princess, come on, you can do it. Aram aram se karo, aram aram se. Piche muh nahi lagao uspe. Face nahi lagao. Aram aram se, thodi der rest kar lo. Bachcho ka to ho gaya kaam. बढ़िया. आप अपना भी काम बढ़िया हो जाए थोड़ा सा. ये क्या है? पेटी और भेलपुरी. पेटी और भेलपुरी वो नहीं लिया डोसा करी थी. नहीं
मैंने कहा पहले एक हाल होते हैं बच्चे आएंगे बहुत टाइम बाद बैठी मेरी बुढ़ी अच्छी लग रही है मुश्किल था वहाँ पे सबसे ऊपर वाला टॉप लेवल सबसे ज़्यादा मुश्किल था इतने पतले पे हमें चलना था और वो ऐसे कुछ पकड़ना था ऐसे रोप वो ऐसे चलना था और फिर एक ऐसे मतलब पता नहीं क्या बोलते हैं उसको उससे स्लाइड करना था अराउंड उसमें मेरा पैर छूट गया था मुझे डर लगने लगा था सुखनाले पूरा घूम लिया हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया बच्चों को भी आया काफ़ी ज़्यादा इन लोगों ने एंजॉय क्यों नहीं आया एक्चुअली आफरीन को एक स्लाइड में बैठना था जिसमें कि छोटे बच्चे अलाउड थे ज़्यादा 5 साल से छोटे तो इसको अलाउ नहीं किया इसलिए थोड़ा सा मूड ख़राब है अब हम लोग जा रहे हैं सेक्टर 17 की मार्केट में वहाँ पर थोड़ा सा घूमेंगे फिरेंगे और फिर वापस रूम पर जाएंगे तो जनाब ये है सेक्टर 17 चंडीगढ़ का मशहूर जहाँ पर हम लोग आ चुके हैं थोड़ा सा घूमेंगे फिरेंगे यहाँ पर अब और अगर कुछ अच्छा लगेगा तो शॉपिंग भी करेंगे उसके बाद जाएंगे वापस अपने होटल चलो चलो आगे चलो चलो उधर चलो बस आ जाओ इसके लिए थोड़ा सा रिसर्च किया हम लोगों ने और फाइनली जहां हम बैठे थे वहीं पे ये सिंधी स्वीट्स नाम से है इसी के ऊपर रेस्टोरेंट है इनका तो हम लोग यहीं पर ही खाना खाएंगे सिंधी स्वीट्स में तो फाइनली हम लोग आ गए हैं वापस से अपने घर पे, आई मीन अपने रूम पे सेक्टर 17 के मज़े करके सेक्टर 17 में जो सिंधी रेस्टोरेंट था जहाँ हमने खाना खाया आप लोगों ने देखा होगा वहाँ जस्ट हम एंटर ही कर रहे थे तो वहाँ पे जो गार्ड था उसने मना कर दिया कि कोई छूट वूट नहीं करनी है इस वजह से कुछ खाने वाने की छूट नहीं करी और खाने की जहाँ तक बात है बहुत ही शानदार ज़बरदस्त वाला खाना था हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना अच्छा खाना होगा लेकिन अंदर जाके जब देखा तो बहुत ही बढ़िया से अच्छा सा एम्बियंस भी था और खाना ज़बरदस्त चुम्मेश्वरी खाना और खाने के बाद जो हमने खाई कुल्फ़ी और फलूदा वो तो बस आउट ऑफ द वर्ल्ड ही था बहुत बढ़िया था बहुत मज़ा आया ओवरऑल वहाँ से जस्ट हम निकले तो उसके बाद पूरी मार्केट बंद हो चुकी थी इस वजह से ज़्यादा घूम भी नहीं पाए और थक भी काफ़ी ज़्यादा गए थे बच्चे भी थोड़े परेशान थे तो हम लोग वापस से अब अपने रूम पर आ गए हैं आज का हमारा सफ़र बहुत ही बढ़िया रहा काफ़ी इन्जॉय किया हमने पूरा सफ़र में अल्लाह के शुक्र से कोई प्रॉब्लम नहीं आई गाड़ी में थकाई भी नहीं यहाँ पे आके भी बहुत मज़ा आया ये होटल भी अच्छा लगा बच्चों ने इन्जॉय किया तो ओवरऑल आज का दिन सफल रहा और उम्मीद है इंशाल्लाह कल का दिन भी बढ़िया ही रहेगा बच्चों कैसा लगा आज का दिन मज़ा आया आज आफरीन आपको मज़ा आया चल ओवरऑल सभी लोग खुश हैं अब आज का दिन यहीं पर समाप्त करते हैं आज की वीडियो को और कल सुबह मिलेंगे आपको कल हमें सुबह यहाँ से निकलना है शिमला के लिए शिमला से आगे इनफैक्ट कुफरी के लिए तो कल को थोड़े से पहाड़ वहाड़ आएंगे तो और मज़ा आएगा फिलहाल आज का दिन का यहाँ पे एंड करते हैं और इस व्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी वीडियो अगर यहाँ तक देख ली है और पसंद आई हो तो इसे एक लाइक ज़रूर कर देना चैनल पर अगर नए हैं और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है या पुराने भी हैं और वीडियोस देखते हैं जस्ट तो सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमें थोड़ा और मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने का तो चलिए इसी के साथ मैं डॉक्टर सलीम आपसे विदा लेता हूँ अपने बड़ों का सम्मान कीजिए बच्चों से प्यार कीजिए और अपनी ज़िंदगी जीते रहिए मस्ती के साथ मज़े के साथ फिर मिलेंगे कल आपसे सुबह तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़